यूपी का कुशीनगर दौरा, पीएम के कार्यक्रम का लेंगे जायजा, अधिकारियों संग करेंगे बैठक। बांके बिहारी मंदिर पहुंचे शिवपाल यादव, रथ यात्रा के सफल होने की करी कामना, मंदिर से शुरू किया चुनावी शंखनाद। लखीमपुर हिंसा की आंच तेज, लखीमपुर पहुंची प्रियंका गांधी, हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में होंगी शामिल। बागपत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर चोरों के गिरोह का किया पर्दाफाश, चोरों से लाखों के मोबाइल बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो शाम 3 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सीएम के आगमन को लेकर सभी अधिकारियों ने तैयारियां कर ली हैं। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी पीएम मोदी के कुशीनगर में होने वाले कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए आज वहां पर पहुंच रहे हैं, साथ ही बुद्ध परिनिर्वाण स्थली और जन सभा स्थल पर भी जाकर वो तैयारियों की जानकारी लेंगे। खबरों की माने तो आने वाले 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के आगमन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भी सीएम योगी बैठक करने वाले हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का कुशीनगर दौरा है, चलिए ज्यादा जानकारी के साथ कुशीनगर से हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, आज मुख्यमंत्री कुशीनगर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ अपडेट है? जी, आज 3 दिन मंत्री कार्यक्रम पहुंच गए और 20 तारीख को जैसे कि प्रधानमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और अगर यहाँ पर्यटन और तमाम सारी चीजों को बढ़ावा मिलेगा, विकास में काफी अहम भूमिका होगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो उसकी उद्घाटन की तैयारियां चल रही है। 20 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे यहाँ। वहां से फिर वो बुद्ध परिनिर्वाण स्थली जाएंगे, उसके बाद जहाँ जनसभा होनी है प्रधानमंत्री की बरवा राजा में, वहां जाएंगे, उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन के साथ वो एक बैठक करेंगे। बिल्कुल दीपक, बैठक मुख्यमंत्री करेंगे प्रशासन के साथ, उस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? जी, अभी तो जो सामने आ रहा है इसमें काफी अहम जानकारियां ये मिल रही हैं कि जो मैत्रेय परियोजना है, जो लंबी पड़ी हुई है काफी दिनों से, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री यहाँ के स्थानीय प्रशासन से चर्चा करेंगे, और जिले को काफी बड़ी सौगात भी मिल सकती है। जैसे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि यहाँ की बंद सुगर पड़ी चीनी मिल को चलवाएंगे, तो हो सकता है कि जनपद को एक नई बड़ी सुगर फैक्ट्री भी मिल जाए। चलिए दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर दौरा है, जहाँ पर वो 20 अक्टूबर को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही वहां के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कराया जाएगा, उसको लेकर भी तैयारियां कैसी हैं इसका भी वो जायजा लेंगे, और तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं, क्या कुछ कमी है और क्या कुछ होना और बाकी है, इसको लेकर भी वो अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। लखीमपुर हिंसाकांड की आंच अब धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, वहीं इसी कड़ी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच चुकी है, जहां वो लखीमपुर के तिकुनिया में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में शामिल होंगी। आपको बता दें कि इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ अजय कुमार लल्लू भी लखीमपुर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में आज प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें 3 अक्टूबर की किसानों की हिंसा में जान गई थी, उसके बाद आज उनकी अंतिम अरदास रखी गई है, और इसीलिए वहां पर तमाम विपक्षी नेता पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी भी सुबह ही लखनऊ से निकल गई थी, जिसके बाद वो पहले सीतापुर गई और उसके बाद अब वो लखीमपुर खीरी पहुँच चुकी हैं, और उनके साथ अजय कुमार लल्लू भी मौजूद हैं।
तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंच चुकी हैं और आज लखीमपुर के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को जो हिंसा हुई थी उसमें 4 किसानों की जान गई थी, आज उनके लिए अंतिम अरदास रखी गई है और उसी में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं और साथ ही विपक्ष के नेता तो वहां पर पहुंच ही रहे हैं। आपको बता दें कि कई राज्यों से किसान भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, हालांकि राकेश टिकैत भी आज वहां पर जाएंगे और ऐसे में भारी संख्या में किसानों के भी पहुंचने की वहां पर उम्मीद जताई जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है लखीमपुर खीरी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी से लगभग तिकुनिया अभी एक घंटे में पहुंच जाएंगी और सीधे पहुंच करके वहां पर जो मृतक किसान थे वहां पर जो भोग का कार्यक्रम रखा गया है वहां उनसे रूबरू होंगी, उसके बाद रमन तख्तर जो पत्रकार थे उनके यहाँ जाएंगे और उनसे वार्ता करेंगे। बिल्कुल, और क्या कुछ वो करेंगी वहां पर और क्या कुछ उनके कार्यक्रम है, क्या वो और बीजेपी कार्यकर्ताओं या फिर किसी और के भी घर जाएंगी? देखिए, अभी जो जानकारी मिलने में आ रही थी, सबसे पहले जो है मृतक किसानों के यहाँ ही पहुंच करके जो भोग का अरदास का अंतिम अरदास का जो कार्यक्रम रखा गया है उस पर पहुंच करके सीधे तिकुनिया और एक दो जगह और जा करके ये बात करेंगे और ये स्पष्ट इन्होंने जो कार्रवाई की मांग की गई थी अभी तक इन्होंने कहा था कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा दिया जाना चाहिए उसको लेकर के ये वहां पर बात कर सकती है। बिल्कुल गौरव, और प्रियंका गांधी के अलावा वहां विपक्ष के कई और नेता पहुंचने वाले हैं और उनके साथ साथ भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जी, हम बता रहे हैं लखीमपुर खीरी में जो है पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है और चप्पे चप्पे तक पुलिस SSB और तमाम आला अधिकारियों की तैनाती की गई है और जगह जगह पे पूछताछ के बाद ही लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों को जाने दिया जा रहा है। और आपको बता दें राकेश टिकैत पहले से ही वहां पे मौजूद हैं और जयंत चौधरी भी कुछ ही क्षणों में वहां पहुंच करके अंतिम अरदास में शामिल होंगे और वहां पे वार्ता करेंगे। चलिए गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से किसानों और विपक्ष के नेताओं का डेरा लगता हुआ नजर आएगा। आज अंतिम अरदास रखी गई है किसानों के लिए जिसमें विपक्ष के तमाम नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, साथ ही भारी संख्या में यूपी के अलग अलग जिलों से किसान तो पहुंचेंगे ही, इसके साथ पंजाब हरियाणा के किसानों के वहां पर पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ के अपने आवास से कानपुर के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के विजय रथ यात्रा का आज पहला चरण है जिसमें कानपुर से हमीरपुर तक इस विजय रथ यात्रा को निकाला जाएगा। तो आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर के लिए रवाना हो गए हैं जहां पर उनकी विजय रथ यात्रा का पहला चरण शुरू होने जा रहा है और ऐसे में कानपुर से हमीरपुर तक इस विजय रथ यात्रा को निकाला जाएगा। तो आपको बता दें विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं और ऐसे में लगातार रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं और रैलियां की जा रही हैं, इसीलिए आज अखिलेश यादव कानपुर पहुंच रहे हैं जहां पर वो विजय रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें 4 जिलों में ये विजय रथ यात्रा जाएगी, कानपुर से इसकी आज से शुरुआत होने जा रही है और इनके साथ साथ तमाम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वहाँ पर अखिलेश यादव के साथ मौजूद रहेंगे। कानपुर से हमीरपुर तक इस विजय रथ यात्रा को निकाला जाएगा और इसीलिए अखिलेश यादव वहां पर खुद पहुंच रहे हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। उनके साथ साथ पार्टी के कई बड़े नेता और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे, काफी संख्या में कार्यकर्ताओं के मौजूद होने की जानकारी भी मिल रही है।
उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 को फतह करने के लिए मंगलवार को बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बांके बिहारी के चरणों में जाकर अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। इस दौरान उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ बांके बिहारी की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि शिवपाल यादव अपनी चुनावी रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको लेकर पहले उन्होंने मंदिर में मत्था भी टेका। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बांके बिहारी मंदिर में शिवपाल यादव पहुंचे और ऐसे में मत्था टेकते हुए वो नजर आए। चुनावी माहौल है, चुनाव बेहद नजदीक है, इसको लेकर सभी पार्टियां अब इस तरह जो हैं रैलियां निकाल रही हैं, रथ यात्रा कर रही हैं और उसकी शुरुआत से पहले वहां पर शिवपाल यादव पहुंचे बांके बिहारी मंदिर मथुरा में और मत्था टेका और अपनी इस रैली का यात्रा को सफल बनाने की प्रार्थना भी की और साथ ही चुनावी शंखनाद भी उन्होंने वहां से शुरू कर दिया। आपको बता दें इस दौरान श्रद्धा और भक्ति के साथ बांके बिहारी की वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से हमारे संवाददाता सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, जिस तरह से देखा जाए विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, सभी नेता मंदिरों का सहारा ले रहे हैं, भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव भी बांके बिहारी मंदिर कल पहुंचे थे। जी बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो इस समय जैसे जैसे यूपी में चुनाव आ रहा है वैसे ही वैसे सरगर्मियां तेज जा रही हैं और इस सरगर्मियों के साथ साथ भगवान के दरबारों पर उन नेताओं का जाना शुरू हो गया है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर अब शिवपाल यादव हो, जिन्होंने वृंदावन से कान्हा की नगरी से कान्हा के दर्शन कर बांके बिहारी के दर्शन कर अपनी चुनावी संक्रांत शुरू किया है, जिसमें आज से उन्होंने पूरे चुनाव अपने संक्रांत को शुरू करते हुए परिवर्तन सामाजिक यात्रा जो है वो शुरू की है वृंदावन से और जहां पर सुबह ही वो बांके बिहारी के दर्शन को मंदिर पहुंचे जहां पर विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की और जो सेवाएं थे उन्होंने उनको पटवार प्रसाद भेंट करके मंदिर में जो है पूजा अर्चना कराई है, जिसके बाद उन्होंने एक तरह से साफ कहा जाए तो उन्होंने अपना चुनावी संक्रांत शुरू कर दिया और इस तरह से मंदिर में जो है कई दर्जन ब्राह्मणों द्वारा एक तरफ भगवान का शिवपाल यादव जो पूजा कर रहे थे तो दूसरी तरफ ब्राह्मणों द्वारा संक्रांत शंख बजा करके संक्रांत किया जा रहा था, जिसके बाद शिवपाल यादव ने अपनी जो है रणनीति और अपनी आगे की जो है पूरी परिवर्तन यात्रा के बारे में बताया कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और बांके बिहारी के दर्शन करके उन्होंने चुनावी संक्रांत शुरू कर दिया है। अब आगे देखना होगा कि ये चुनावी संक्रांत जो है बांके बिहारी का दर्शन जो है उनको कितना फल प्राप्त कर पाता है। बिल्कुल सुरेश, और जिस तरह से शिवपाल यादव ने अपनी इस रथ यात्रा के लिए सफल होने की कामना भी की, ये रथ यात्रा कहाँ कहाँ पर पहुंचेगी? जी जिस तरह से बताएं कि ये वृंदावन होते हुए आज मथुरा आएगी, मथुरा से फिर ये आगरा मंडल के कई क्षेत्रों में जाएगी और उसके बाद कल फिर ये आगरा मंडल से आगे बढ़ेगी। तो जिस तरह से देखा है कि जैसे आज कानपुर में अखिलेश यादव ने अपना रथ यात्रा शुरू की है वैसे ही उन्होंने वृंदावन से अपनी चुनावी जो है ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू की है। तो आज से पूरे यूपी में जो है एक तरह से देखा जाए तो चुनावी माहौल यानी चुनावी मैदान चुनावी अखाड़ा सजने जा रहा है। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा होना बाकी है लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। चलिए सुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिवपाल यादव मथुरा पहुंचे जहां पर उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में मत्था टेका और अपनी रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए बांके बिहारी मंदिर में जाकर मत्था टेका और कामना भी की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ट्वीट कर विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा है। आपको बता दें अपने ट्वीट में डिप्टी सीएम ने लिखा कि सपा बीएसपी और कांग्रेस की राजनीति बीजेपी विरोध पर केंद्रित है और इन दलों और उनके नेताओं के पास प्रदेशवासियों के लिए ना तो कोई योजना है और ना ही कोई नीति है। तो ट्वीट देख सकते हैं किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। जिस तरह से बीते कई दिनों से विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, उसके मद्देनजर आज केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया है और सपा बसपा कांग्रेस तीनों ही पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति बीजेपी विरोध पर केंद्रित है और इन दलों के नेताओं के पास ना तो कोई प्रदेशवासियों के लिए योजना है और ना ही कोई नीति है। तो आपको बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया है और ऐसे में ये ट्वीट करते हुए उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष
पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें, पिछले काफी दिनों से विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार को पूरी तरह से लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर घिरता हुआ नजर आ रहा है। इसको देखते हुए सपा, बसपा, कांग्रेस और तीनों ही इन पार्टियों पर ये डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर निशाना साधा है और साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि विरोधी पार्टियों पर ये निशाना साधते हुए लिखा कि सपा, बसपा, कांग्रेस की राजनीति बीजेपी विरोध पर केंद्रित है और इन दलों और इनके नेताओं के पास प्रदेशवासियों के ना तो कोई योजना है और ना ही कोई नीति है। आगरा में अवैध संबंधों के चलते एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक की पुत्र वधू के गांव के ही एक युवक से अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी बुजुर्ग को हो गई थी। वहीं इसी वजह से आरोपी प्रेमी ने बुजुर्ग के सर पर धारदार हथियार से वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की अब जाँच पड़ताल में जुट गई है। बागपत में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस और सर्विलांस की टीम ने शातिर चोरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए लाखों रुपए के मोबाइल भी बरामद किए हैं। वहीं खबरों की माने तो 29 सितंबर को एक मोबाइल फोन के शोरूम से लाखों रुपए के मोबाइल फोन चोरी किए गए थे, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। वहीं मुठभेड़ की सूचना के बाद पुलिस ने सभी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार भी कर लिया है। ये 29 सितंबर को खेकड़ा थाना क्षेत्र में कस्बे में लक्ष्य गुप्ता के द्वारा ये तहरीर दी गई थी थाने पर कि उनकी एक मोबाइल शॉप की दुकान है और जिसमें कि सेंध लगा करके करीब 57-58 मोबाइल है, लैपटॉप ये चोरी कर लिया गया है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हमारी थाने की इंस्पेक्टर खेकड़ा की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम हमारी पूरी टीम काम कर रही है और जिसके तहत हम लोगों ने जो गहन अनुसंधान किया और सर्विलांस सेल के सहारे आज भी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि दो अभियुक्त पकड़े गए हैं। आज सुबह 6 बजे के आसपास मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक का नाम अजीज है, दूसरे का नाम सोनू है। ये दोनों संदिग्ध बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें कि एक बदमाश सोनू घायल हुआ है और इनके कब्जे से 57 मोबाइल जो कि उस समय चोरी किए गए थे, लैपटॉप जिसकी कीमत करीब 13.5 लाख है, ये बरामद हुआ है। पूछताछ में इन्होंने ये घटपुरी घटनाक्रम कबूल किया और इनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 29 को इनके द्वारा घटना खारिज की गई थी। मेरठ में लेसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित शालीमार गार्डन में एक युवक ने मकान में हिस्सा न देने पर अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी मां और भाइयों के साथ मारपीट करते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। वहीं गोलियों की आवाज से इलाके में भगदड़ मच गई। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बार बार सूचना देने पर भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई और आरोपी मौके से फरार हो गए। तो मेरठ का पूरा मामला है, जहां पर मकान में हिस्सा न मिलने से युवक ने अपने ही मां और अपने भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अमेठी में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर सड़क हादसा हो गया, जहां एक सरिया से लदे ट्रक में दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक में मौजूद क्लीनर की मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली से एक पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क से पाकिस्तानी नागरिकता के साथ एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आतंकी भारतीय नागरिक की फर्जी आईडी के साथ रह रहा था। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के इस आतंकी के पास से AK-47 राइफल के साथ एक अतिरिक्त मैगजीन, 7 राउंड, एक हथगोला,
50 राउंड और 2 अत्याधुनिक पिस्टल भी बरामद हुई है। कहा जा रहा है कि आतंकी को रात 9:30 बजे करीब गिरफ्तार किया गया था और ये आतंकी पाकिस्तान के नारोवाल का रहने वाला भी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी 6 इंडियन पासपोर्ट के साथ पिछले काफी समय से लक्ष्मी नगर इलाके में रह रहा था। पुलिस इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद अब इसके नेटवर्क और साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद अब घटने लगे हैं। ऐसे में देश में आज लगातार दूसरी बार कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 14,313 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 181 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में कल देश में 18,132 मामले दर्ज किए गए थे और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 26,500 से ज़्यादा कोरोना मुक्त लोग भी हो चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,14,900 हो चुके हैं। ऐसे में देश में अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना को मात भी दे चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,50,900 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 60 लाख से ज़्यादा डोज दी गई। इसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा अब बढ़कर 95 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि 11 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के लिए 58 करोड़ से ज़्यादा नमूनों का परीक्षण भी किया गया और इनमें से 11 लाख नमूनों का परीक्षण किया गया था। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पर यूटर्न ले लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि विधानसभा में हाल ही में पारित राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण विधेयक 2021 पर पुनर्विचार के लिए वो राज्यपाल से उसे वापस भेजने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को अध्ययन के लिए कानूनविदों को दिया जाएगा और उनकी सलाह के आधार पर इसे आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर नन्हे हाथ कलम के साथ अभियान के तहत हौसलों की उड़ान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि इस कानून पर पूरे देश में विवाद हुआ कि इससे बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। ये हमारे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, हमने इसे वापस मांगने का निर्णय किया है। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और बीजेपी विधायक संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इनका व्यक्तिगत हित था और इसीलिए ये पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले राष्ट्रीय हित होता है, बाद में व्यक्तिगत हित होता है, जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।